हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज ये टाटा की आप देख रहे हो और गाड़ी की हम बात करते हैं तो आज हमारे पास यहाँ पे है टाटा की हैरियर। ये इसका लेटेस्ट वेरिएंट है और इसका टॉप वेरिएंट भी आप कह सकते हो। चेरी रेड कलर में हमारे पास एक कार है। इस वीडियो में पूरी बात करेंगे इस कार के बारे में, ये क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, और बाकी जो पुराने व्यूवर्स हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर वीडियो आती है तो देख लिया करो और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट ज़रूर किया करो, जिससे पता चले कि मैं क्या सही गलत कर रहा हूँ। इस वीडियो में पूरी बात करेंगे टाटा हैरियर की कि आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होती है। तो समय को ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। चाबी से स्टार्ट करते हैं तो चार आपको कंट्रोल्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप अनलॉक करके गाड़ी देखते हो अगर, तो यहाँ पे हमारे DRL चलते हैं अनलॉक होने पे और मिरर अनफोल्ड होते हैं। और अगर हम फॉलो मी हेडलैम्प का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे जो हेडलैम्प्स हैं वो जल जाते हैं। पूरी बात एक्सटीरियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट प्रोफाइल में बीच में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है ग्रिल पे बड़ा सा, और ग्रिल आपको ग्लॉसी मिल जाती है। हल्का सा लेफ्ट आते ही आपको इसके DRLs मिलते हैं जो कि इंडिकेटर का ही फंक्शन करते हैं। और अगर आप इसको फॉलो मी हेडलाइट्स जलाते हो तो ऐसा कुछ इसका अपीयरेंस आता है। हल्का सा नीचे आते ही जो इसका पूरा प्रोटेक्टर सेटअप है वो आपको यहाँ दिख जाएगा, और हल्का सा नीचे है तो थोड़ी अलग अपीयरेंस देता है ये। नीचे फॉग लैम्प भी आपको मिल जाता है, हाई बीम भी आपको मिल जाती है। उसके बाद पूरी गाड़ी की बात करें तो डुअल टोन फिनिश में ये आती है। क्लैडिंग इसकी जो है ब्लैक कलर में है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी खासी आगे से और मिल जाती है आपको, और अप्रोच एंगल भी गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करने पे हेल्प करता है। उसके बाद जो पूरी प्रोफाइल है वो थोड़ी बल्की दिखती है हैरियर की अगर आप बात करते हो बाकी टाटा कार से। उसके बाद साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो क्लैडिंग पूरी जाती है पीछे तक अगर आप देखो तो, वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। साइड में आते हैं टायर प्रोफाइल की बात करते हैं, और टायर हमें मिल जाते हैं इसमें 235 सेक्शन के, 235/65R17 17 इंच के। हम लोग को यहाँ पे डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इनका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा शार्प लगता है अगर आप देखो तो, अच्छा लगता है। अपोलो का स्टॉक टायर इसमें दिया गया है। और अगर नीचे से देखते हो ना गाड़ी को तो बहुत ही ज़्यादा सही दिखती है ये। आपको लैंड रोवर डेराइव जो इनका सस्पेंशन है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। क्लैडिंग आपको पूरी से दिखाई मतलब दिखाई पड़ जाएगी अगर आप देखोगे। क्रोमियम फिनिश में इसके डोर हैंडल्स हैं जो कि काफ़ी सही है। रिक्वेस्ट सेंसर भी प्रोवाइड करता है जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। रिक्वेस्ट सेंसर प्रेस करते ही आपको यहाँ पे ORVM अनफोल्ड फोल्ड होते हैं, तो ये भी एक अच्छा वेलकम फंक्शन हो जाता है अगर आप एक गाड़ी की बात करते हो तो। साइड प्रोफाइल से बात करते हैं तो हैरियर कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लग रहा है। और जो मेन हाईलाइट यहाँ पे क्रोमियम फिनिश में इसका सी पिलर के बगल का जो फिनिश आती है जहाँ पे हैरियर लिखा हुआ है, हैरियर की ब्रांडिंग है, वो अच्छा लगता है। यहाँ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। डुअल टोन में आपको रूफ़ मिल जाती है, स्पॉइलर मिल जाता है पीछे, और इसमें आपको देखा जाए तो रूफ रेल्स नहीं मिलती है इस कार में, जो कि एक कोई ज़्यादा उसका लुक इसने इनहेंस और डिक्रीज़ नहीं करती है। क्रोम स्ट्रिप पे एक लाइन गई है बढ़िया सी। बात करते हैं ORVMs की, तो ORVM पे हम लोग को पडल लैम्प तो नहीं मिलता है बट वहाँ पे इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं हमको। तो ओवरऑल जो प्रोफाइल है साइड प्रोफाइल हैरियर की वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बल्कि दिखती है अगर आप मुझसे पूछो तो। बाकी आप अपने कमेंट्स सेक्शन में अपने ओपिनियन दे सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं रेयर प्रोफाइल की हैरियर की। तो रेयर प्रोफाइल सबसे पहले बीच में आपको हैरियर का टाटा का लोगो मिल जाता है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे रियर पार्किंग कैमरा भी आपको दिख जाएगा अगर आप देखोगे तो। हैरियर की मोटी मोटी ब्रांडिंग मिल जाती है आपको। उसके बाद बात करें नीचे की, रिक्वेस्ट सेंसर वापस से दो मिलते हैं, और देने चाहिए यार इतनी महंगी गाड़ी अगर आप बना रहे हो तो। नीचे की बात करें तो रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, फेक एग्जॉस्ट की यहाँ पे मिल जाती है, रियल एग्जॉस्ट नीचे आपको कहीं मिलेगा इसका दिखने देखते हैं कहाँ पे, ये रियल एग्जॉस्ट आपको मिल जाता है। स्पेयर टायर पीछे आपको मिल जाता है जो कि 17 इंच का है बट स्टील व्हील है। और बात करते हैं टेल लैम्प से पीछे, तो टेल लैम्प अगर मैं जला कर दिखाता हूँ तो काफ़ी अच्छी LED स्ट्रिप आती है इसको, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हद तक आपको रेंज रोवर या डिस्कवरी की याद दिला देगी ये। उसका टाटा का फेमस पैनल ग्राफ्स आपको इस गाड़ी में भी देखने को मिल जाएंगे। इंडिकेटर्स हेलोजन आते हैं इसमें, और रिवर्स पार्किंग लाइट भी हेलोजन आती है। नीचे आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है जो कि जलता है तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। विंडशील्ड की बात करें तो डिफॉगर आ जाता है यहाँ पे, वाइपर आ जाता है, हाई स्टॉप माउंट लैंप आ जाती है जो कि हेलोजन है, और यहाँ पे आपको स्क्रेप स्प्रे मिल जाता है पीछे वाला शीशा साफ़ करने के लिए। तो ओवरऑल हैरियर का जो एक लुक है एक्सटीरियर वाइज मुझको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और बात कर लेते हैं एक और चीज़ की हैरियर की, तो टाटा का ये फ्लैगशिप SUV है क्योंकि सफारी और हैरियर साथ में नाम में आता है और बेचा जाता है, सेल्स फिगर भी साथ ही में रहती है। पीछे की ब्रेक की बात करें तो डिस्क नहीं आती है, ड्रम आती है।
तो अब मूव करते हैं इंटीरियर की तरफ कि हैरियर इंटीरियर में कैसी है। अंदर आते ही आपको डुअल टोन में ट्रीटमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे जो टच है वो सॉफ्ट है, अच्छा है। यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। उसके बाद ये जो पूरा थीम है इंटीरियर का अच्छा लगता है। ये आपको ओआरवीएम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ओआरवीएम काफ़ी ज़्यादा चौड़े इस गाड़ी के फील होते हैं। और बात करें नीचे आपको स्पीकर मिल जाते हैं। ये आपको हाइट एडजस्टमेंट इसकी इलेक्ट्रॉनिक मिलती है और जो पूरी सीट की एडजस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक मिलती है। इंटीरियर की थीम की बात करूँ तो डुअल टोन है और देखने में काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लग रहा है। ये क्वालिटी गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवड है पहले से। अगर हम 2019 का वेरियंट देखते हैं, थोड़े ट्विस्ट एंड ट्विक्स करके वाली गाड़ी लाई गई है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लग रही है। उसका भैया देखिए बात कर रहे हैं बट आपको कोई भी ऐसी आवाज़ अंदर नहीं आती है। ये सबसे अच्छी बात हो जाती है हैरियर के बारे में। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपको MID मिल जाती है। इसको आप यहाँ से इसका टॉगल कर सकते हो कंट्रोल्स। यहाँ से आप इसको कंट्रोल सेटिंग कर सकते हो। तो ये तो चलाते वक्त ज़्यादा अच्छा दिखाऊंगा मैं आपको। उसका सारे फीचर लगभग लगभग आपको इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दो माइक आते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बात करने के लिए स्पीकर भी आपको यहीं प्रोवाइड हो जाता है। नीचे आते ही आपको टाटा हैरियर में जो उसका लेआउट मिलता है उससे यहाँ सफारी मिलता है। सामने सफारी भी एक खड़ी है। तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है विद सनरूफ। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। सनरूफ भी खोल के आपको दिखा दूंगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इनकी स्क्रीन तरफ आते हैं। तो स्क्रीन तरफ आप देख लो ठीक है टच रिस्पॉन्स, मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है। लोग कहते हैं थोड़ा लैग तो है यार, थोड़ा स्ट्रांग बनाता है फ़ोन थोड़े ना है ये। अब स्क्रीन की बात करें तो ठीक है यार, थोड़ा सा लैग है इतना, मतलब फ़ोन थोड़े ना है। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल डिज़ाइन की। तो यहाँ पे आपको फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं जो कि इसी के हैं, इसी स्क्रीन के हैं। उसके बाद यहाँ से भी आप फिजिकल बटन से भी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं एसी वेंट्स की। तो एकदम अच्छा डिज़ाइन है, कोई ऐसा आप मतलब कंप्लेन करना हो वालों कंप्लेन कर देते हैं कंप्लेन करने वाले। बट वो ठीक ठाक इंटीरियर आपको मिल जाता है। यहाँ आपको हज़ार लाइट कंट्रोल मिल जाते हैं। उसके बाद नीचे आपको पूरा ऑटोमेटिक एसी का आपको जो क्लाइमेट कंट्रोल पूरा एसी का मिल जाता है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ऑटो पे क्लिक करते ही आपका हो जाता है और यहाँ से आप टेम्परेचर मुझे सेट कर सकते हैं एसी का। देखिए चलने भी लगा, उसको ऑफ करना पड़ेगा। ठीक, सबसे अच्छी बात है कि बिना इंजन स्टार्ट के से कंप्रेशन चलने लगता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। हल्का से नीचे आते ही आपको स्टेयरिंग सॉरी आपको ड्राइव मोड्स मिल लगते हैं। यहाँ आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं जो कि तीन मोड्स यहाँ पे हम लोग को दे के रखे हैं। खैर वो ड्राइव पे एंगेज होते हैं। ये ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल आपको इस कार में ऑफर होता है। उसके बाद बात करते हैं गियर बॉक्स की। तो सिक्स स्पीड का ऐसे मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है एज ए स्टैंडर्ड अगर आप मैनुअल लेते हो, और ऑटोमेटिक भी सिक्स स्पीड आपको मिल जाता है। उसका टच एंड फील ऑफ मटेरियल की बात करें तो भैया बहुत सॉलिड फील होती है गाड़ी। ये सॉफ्ट टच है यार, बहुत सही दिखता है। ये ऑटो डिमिंग आपको ऊपर मिरर मिल जाता है। ये आपको लाइट मिलती है जो कि व्हाइट लाइट है। उसके इधर की बात करते हैं तो आपको वेंटी मिरर नहीं मिलता है। उधर की बात करें तो यस इधर आपको वेंटी मिरर प्रोवाइड होता है। उसके बाद ओवरऑल बात करते हैं यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर मिल जाता है। ये देखिए ये आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं दो जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। उसके बाद ये आपको आर्मरेस्ट मिलता है जो कि खुलता है कि नहीं उसका तो पता लगा नहीं पड़ेगा। अभी तो खुल नहीं रहा यार, ये पता नहीं कैसे खुलता है, मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकता। उसके बाद ये आपको बोतल होल्डर्स मिल जाता है। ये आपको इनकी कन्वेंशनल आपकी अलग सी थोड़ी सी इनकी हैंड ब्रेक मिलती है जो कि थोड़ा एयरप्लेन डिज़ाइन से मतलब एयरप्लेन डिजाइन से इंस्पायर्ड है। उसके बाद ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो अच्छा खासा बड़ा कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है आपको विद पार्सल ट्रे, मतलब यहाँ पे आप आराम से रख सकते हो। और ग्लव बॉक्स का साइज देखिए उसका नेक्सॉन का बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका थोड़ा सा छोटा है बट फील बहुत सॉलिड फील होता है कार में। उसके बाद इधर आपको दो डबल थीम में आपको यहाँ पे इंटीरियर मिलता है। उसके बाद JBL की ब्रांडिंग आपको अगर दिख रही होगी तो यहाँ JBL की ब्रांडिंग के स्पीकर आपको प्रोवाइड होते हैं टाटा हैरियर में, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। उसके बाद ओवरव्यू का साइज आप देख लो, काफी ज्यादा बड़ा ओवरव्यू का साइज है। यहाँ से आप ओवरव्यू से कंट्रोल कर सकते हो, देखो कंट्रोल आराम से हो जाता है। उसके बाद हुड की बात करें तो दिखाई पड़ता है, हुड काफी ज्यादा ऊंचा फील होती है ये कार, तो एक अच्छी बात ये कार में हो जाती है। स्पीकर क्वालिटी बहुत अच्छी है बट मेरे पास सेकेंडरी डिवाइस नहीं जिससे मैं आपको दिखा दूँ, और यहाँ पे थोड़ा लोग बिजी है तो स्पीकर क्वालिटी मैं कभी और अगर मेरे को मिलेगा मौका तो मैं बना दूंगा। ओवरऑल जो फील हैरियर में बैठने का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। यहाँ भी देखिए सॉफ्ट टच देने, मतलब अलग अलग टच देखने की कोशिश की है, मतलब कस्टमर को इतना लगे कि इतना पैसा दे रहे हैं तो कुछ ऐसा ख़राब ना लगे। तो ओवरऑल ये था पूरा आगे का एक्सपीरियंस। और पेडल्स की बात कर लें तो आपको तीन पेडल आते हैं, काफ़ी बड़े पेडल्स हैं और आपको यहाँ जो डेड पेडल का स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, आप आराम से यहाँ पैर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत मतलब नॉर्मल है। हाँ क्लच की बात सुनना हो कि हैरियर का हार्ड होता है, थोड़ा सा प्ले है क्लच में, अगर मैं ऐसे करके छोड़ता हूँ तुरंत बाहर आता है। खैर वो सब ड्राइविंग में कवर करूंगा, अब चले पीछे देखते हैं क्या हिसाब है इसके पीछे वाले सीट का, चलिए चलते हैं वहाँ। पीछे का डोर खोलते ही आप जी नोटिस करोगे कि यहाँ टोयोटास भी JBL के दिए हुए हैं और पूरी गाड़ी में JBL के स्पीकर्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउटपुट है। यहाँ पे आप 1 लीटर की बोतल आराम से डाल सकते हो। चलिए अंदर चल के बात करते हैं क्या हिस्सा है पूरा गाड़ी का। अंदर की बात बताऊं आपको तो काफ़ी अच्छा, ये सीट बहुत ज़्यादा पीछे है, मतलब मैंने वीडियो बनाने के लिए बहुत पीछे किया, तब भी आपको इतना डिसेंट लेगरूम मिलता है, तो 5 लोग सफ़र इतना आराम से कर सकते हैं इस कार में, कोई दिक्कत नहीं वाली। एक चीज़ आपको लगेगी, यहाँ पे एसी वेंट्स ना देख के यहाँ पे एसी वेंट्स हैं इसके, जो कि ठीक है यार, मुँह तक हवा ये दे ही देते होंगे कभी, मतलब मैंने कंप्लेंट सुनी नहीं ऐसे, ऐसा से बढ़िया रिस्पॉन्स है इनका। और ये सब होल्ड होल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा सॉलिड फील होता है यार, मतलब लगता नहीं है कि आप मारुति में बैठे हो। उसके बाद ये बात करते हैं इनके उसकी, तो ये क्रोमियम फिनिश में आता है हर चीज़, यहाँ पावर विंडो कंट्रोल आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल आप एक बार एम्बियंस दिखे गाड़ी का यार, इतना ज़्यादा ब्रॉड फील होती है, ये अलग ही यार प्रेजेंस है हैरियर सफारी का इन सब मामलों में। यहाँ आपको वाइट लाइट मिल जाती है जो काफ़ी ज़्यादा सही है, यहाँ आपको पकड़ने के लिए होल्ड करने को मिल जाता है। ओवरऑल क्वालिटी भी कार की बहुत ज़्यादा अप है, तो ये अच्छी बात हो जाती है। सनरूफ मैं खोल के दिखा दूँ वैसे कोई मतलब है नहीं, बट मैं बता देता हूँ सनरूफ है आपको यहाँ पे मिल जाता है। एयरबैग की यहाँ ब्रांडिंग आती है, 6 एयरबैग इसमें आपको मिल जाते हैं। उसके बाद पीछे की बात करते हैं, तो भैया पार्सल ट्रे इतना बड़ा साइज है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, ये आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है यहाँ पे विद कप होल्डर्स। तो ओवरऑल बात करता हूँ मैं अगर एज अ ब्रांड की टाटा की, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रोडक्ट हैरियर निकाला है। और इंजन की बात करता हूँ तो उसमें 2 लीटर का इनका टर्बो चार्ज इंजन आता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 170 PS ऑफ पावर विथ 350 Nm ऑफ टॉर्क। काफ़ी ज़्यादा पावर है, एक काफ़ी ज़्यादा पावर पैक्ड गाड़ी है ये, चला के भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा इस कार के, नेक्स्ट कोई और वीडियो कवर कर दूंगा। तो ये था ओवरऑल टाटा हैरियर का वीडियो। अगर आप टाटा हैरियर लेते हो तो इतनी सब चीज़ें आपको एज अ स्टैंडर्ड दी जाती है, तो इतनी सब चीज़ें आपको इस ट्रिम पे आपको मिलती है, जो कि हमारी ये ट्रिम है। चलिए बात करें टाटा हैरियर की प्राइस के बारे में, जो प्राइस की रेंज स्टार्ट होती है 14.39 लाख से 21.09 लाख तक एक शोरूम, और ये 21.09 पे इसका ऑटोमेटिक वर्जन आता है। मैनुअल की प्राइसिंग जो पूरी है मैं मेंशन कर दूंगा इस कार की, आपके शहर में अलग हो सकती है तो आप एक बार ये चीज़ देख लेना। तो टाटा हैरियर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा। आप अपने कमेंट्स इस गाड़ी के बारे में ज़रूर शेयर करना मुझसे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।